आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एक्स पार्टनर को कैसे तड़पाएं, उसको वापस कैसे लेकर आएं, ऐसा क्या करें कि एकदम वो जल जाए, राख हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि आज अपन जो बताने वाले हैं ना वो बहुत काम की चीज है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहूंगा कि काम थोड़ा मेहनती वाला है। अगर आप इसलिए आए हो कि यहाँ पर कोई टोटका हो जाएगा, कोई बाबा का चमत्कार हो जाएगा, तो भैया ये कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ब्रेकअप तो हो गया सो हो गया, आपको करना क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम आपको करना चाहिए, नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। देखो कई बार कुछ ना बोलना ही ना बहुत कुछ बोल देता है। समटाइम्स द बेस्ट रिप्लाई इज नॉट गिविंग एनी, यानी कि यहाँ पर आप रिप्लाई कुछ नहीं देते हो वही बहुत बड़ा रिप्लाई होता है। ब्रेकअप हो गया ठीक, कोई बात नहीं, लोग अपना यहाँ पर रिएक्शन पता है कैसे देते हैं, हाय गांव में पूरा ढिंढोरा पीट दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, साले मेरे में आते फट गई, मेरे दिल टूट गए, मतलब क्या। रोने धोने वाले स्टेटस डल रहे हैं, डीपीस चेंज हो रही है, स्टोरीज डल रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख लो भाई, इंस्टाग्राम पे देख लो भाई, फेसबुक पे देख लो, हर जगह देख लो तुम। मोहल्ले भर तक को पता चल जाता कि साले का ब्रेकअप हुआ है, इसका दोबारा ब्रेकअप हुआ है, रोना धोना गा रहा है, भाई कोई यहाँ पर सिंपैथी नहीं देता। आपको बेशक लगता हो कि लोग आएंगे, लोग बोलेंगे कि हाय तेरा ब्रेकअप हो गया, यार नहीं यार चुप हो जा यार, ऐसे कुछ नहीं होता यार, कोई बात नहीं यार, नहीं, लोग यहाँ पर तुम्हारे मुंह के सामने बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं थी, उसी की गलती थी, वो ऐसी थी। वापस जाके पता क्या बोलते हैं, ये साला है ही ऐसा, पर मैं तो पहले ही कह रहा था यार ये है ही, अबे इसकी बातें सुनिए तूने, साला है ये, हरामी है ये। लोग जो दिखते हैं वैसे नहीं होते, लोगों की असलियत तुम नहीं जानते मेरे भाई। यहाँ पर ये मत सोचो कि लोग तुम्हें सिंपैथी देंगे, नहीं, चूतिया बोलेंगे खुले में। आपको चाहिए कि आप ही बताओ ही मत कि आपका ब्रेकअप हो गया। देखो आपको ये दिखाना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं, क्या ब्रेकअप, पागल है किसका हो गया। लोगों को जब ये पता चले ना कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो उनका रिएक्शन होना चाहिए कि भैया क्या सच में हो गया है, देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो यहाँ पर आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको घंटा भी फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि फर्क पड़ा है, आपको भी पता है, उसको भी पता है, लेकिन दिखाना है यार। सेकंड यहाँ पर चीज है नो कॉन्टैक्ट रूल। यहाँ पर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है, इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहना है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली कैसे, कि यहाँ पर आप उसके पास जाकर ये नहीं कहने वाले कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुझसे गलती हो गई या मुझसे गलती हो गई या हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया ये वो, नहीं, आपको अपनी बातें उसके दोस्तों से या अपने दोस्तों से पहुंचानी है। दोस्त लोग ना बहुत बड़े चुगलखोर होते हैं, और अगर वो लड़की हुई तो क्या ही पूछो भाई, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेंडिंग पेज पे चल रही होती है उनकी बातें। तो यहाँ पर आपको अपनी बातें वायरल करनी है, आपको अगर ये दिखाना है कि बंदे की इस जगह पे गलती थी तो आप अपने दोस्तों से बोलो कि यार वो लड़की ना थी तो सही, कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उसने गलती कर दी। अब ये बातें आपके दोस्त उसके दोस्त को बताएंगे और उसके दोस्त उसको बताएंगे, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट हो गया, और आपको ये रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उसको इन्फ्लुएंस करना है। और पता है वो इन्फ्लुएंस्ड कब होगी, जब आप ये दिखाओगे कि आप खुश हो। देखो ब्रेकअप के बाद ना रोना गाना तो हर कोई करता है, आपको ये दिखाना है कि आप सच में खुश हो, आपको इतना सा भी घंटा फर्क नहीं पड़ा कि वो छोड़ के चली गई है, बल्कि पहले से ज्यादा खुश हो गए हो। अब आपके पास दो चार बंदी और दोस्त बन गई है, थोड़ा आप क्लोज आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है। देखो यहाँ पर फर्क पड़ता है, आपको भी पता है कि उसको फर्क पड़ा है, उसको भी पता है कि आपको फर्क पड़ा है, लेकिन किसको फर्क पड़ता है, दुनिया को। तो आपको ये दिखाना है ना कि मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर जिसको ज्यादा फर्क पड़ेगा ना वो हार जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ा, आप एकदम खुश हो। बट मेक श्योर कि ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर दो कि मैं तो खुश हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं ऐसा नहीं। थर्ड पॉइंट है शो ऑफ करो। यहाँ पर मैंने शो ऑफ ही क्यों कहा भाई, ये तो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आपको शो ऑफ ही करना है। उसको पता है कि आपको फर्क पड़ा है, और ऑब्वियसली पता होगा यार, आपने रात रात भर बातें की है, खुल के बातें की है, आपको ना वो अच्छी तरह जानती है, तुम भी उसको अच्छी तरह जानते हो। देखो कुत्ता भी मर जाता है तो दुख होता है, तुम उससे बिछड़े हो तो आपको भी दुख होगा और उसको भी दुख होगा। बट फिर वही कि आपन को जनता को दिखाना है कि हमें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आपको ये दिखाना होगा। आपको इतना खुश रहना है, इतना मौज मस्ती में रहना है ना, कि लोग उसको जाकर कहें कि यार उसका ब्रेकअप हुआ है, देखने में तो लगता नहीं है, मतलब यार पहले से ज्यादा खुश हो गया वो, पता है हमसे बहुत बातें करने लगा है, बल्कि हमें तो तू ज्यादा दुखी लग रही है। अच्छा ये पता कि उसने ब्रेकअप किया था तूने। अब ये लाइन ना बिल्कुल भाई साहब उसके खंजर ऐसा घोपेगी ना कि खून निकलेगा। वो कौन सा खंजर पे पहुंच गए मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये दिखाना है। यहाँ पर जो बंदी ने चिंगारी लगाई थी उसको आग में तब्दील करो और बंदी को जला डालो, एक्चुअल में मत जलाना, अपनी बातों से जलाना। फोर्थ पॉइंट है अपनी औकात बढ़ाओ। औकात मतलब अपनी हैसियत बढ़ाओ, अपना स्टेटस बढ़ाओ। बंदी को ये रियलाइज करवाओ कि यार मैंने इसको क्यों छोड़ा, आज इतना बड़ा आदमी बन गया, काश मैं इसके पास होती, काश मैं इसके साथ होती, आपको ये रियलाइज करवाना है। अब यहाँ पर ऐसे तो रियलाइज होगा नहीं जो आप कर रहे हो भैया, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। उठो मेरे भाई, उठो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बनो। जिस दिन उसके मन में ये आ गया ना कि मैंने इसको छोड़ के गलती कर दी, उसको पछतावा हो गया ना, भैया आपकी जीत हो जाएगी, कसम से वो दोबारा मुड़ के आपके पास आएगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी, कि आपके पास 2 सेकंड का भी टाइम नहीं होगा उसके पास देखने का, उसको रिप्लाई करने का। अरे
भैया उस जैसी 36 आ चुकी होंगी और उससे अच्छी आ चुकी होंगी। तो यार ये एटीट्यूड रखो, खुश रहो, कुछ बनो, कुछ करो, जो चिंगारी लगी है उसमें आग लगाओ, ऐसी आग लगाओ कि लोग मसाले जलाएं और उस मशाल से वो लड़की जल जानी चाहिए। दोबारा कह रहा हूँ, बातों में बस। और ये ब्रेकअप वगैरह जिंदगी का पार्ट है, इसको एंजॉय करो। देखो दुख होता है और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि यार दुख नहीं होगा तो प्यार क्या था तुम्हारा। तो यहाँ पर दुख हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कब तक? अब तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, दोस्ती यारी छोड़ दोगे, काम धंधा छोड़ दोगे, मोहब्बत करना छोड़ दोगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो उठो, हंसो, खेलो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और हमारे वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बताता है कि मुझे मेहनत करनी है। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी कुछ हासिल करो, मैं भी कुछ हासिल करूँ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, उसके बगल में एक घंटा आता है उसको दबाना मत भूलना।